प्रहलाद जी के द्वारा वर्ण आश्रम धर्म आदि की बड़ी अद्भुत चर्चा। इस पावन चरित्र को जो श्रवण करता है उसके सारे कर्म के बंधन मुक्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति होती है। और अष्टम स्कंध के पावन क्रम में आप श्रवण करेंगे गजेंद्र बोध आदि की कथा। कौन है ये गृहस्थी का जो मुखिया होता ना मालिक, जो कहता मैं, यही गजेंद्र है। परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में भूल जाता है कौन भगवान, किसका भगवान, कैसा भगवान, कहाँ वंश भगवान, कहाँ संत, कहाँ ब्राह्मण, सब भूल जाता है। कहता खाओ पियो करो आनंद, लेखा करी है परमानंद। तो ऐसी स्थिति में फिर महाराज वो विपत्ति रूपी ग्राह आ जाती है। जब विपत्ति चारों तरफ से घेर लेती है और महाराज ग्राह जब खींच करके यहां तक नाक कान डूबन लागे। पहले तो परिवार वालों ने प्रयास किया, डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ किया, पर जब देखे कि ये तो जा रहा है, अब हम क्यों जाएं? संग सखा सब तज गए कोई न निभयो साथ, कहनानक या विपत्ति में एक टेक रघुना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अब सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपा ते मरनत, सूर किशोर कृपा ते, ऑपरेशन थिएटर के पांव बाहर तक मनी पावर चलता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेन पावर चलता है। सुने पर भगवान को पुकारा और धाये आधे नाम, भगवान तो आने को तैयार हैं, हम पुकारते कहां है। गजेंद्र ने पुकारा धाये आधे नाम, लक्ष्मी जी पूछ रही थी कहां जा रहे हो, भगवान बताना चाह रहे थे कि हाथी के पास, हा का उच्चारण किया और जब तक थी का उच्चारण किया तो गजेंद्र के पास में आ। आज गरुण की गति भी फीकी पड़ गई भगवान, और ग्राहात विपाटित मुखात दरिना गजेंद्रः, सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया क्योंकि उसने एक भक्त के चरण का आश्रय लिया था और गजेंद्र की रक्षा करी। अगले क्रम में भगवान ने देवता और दैत्यों की संधि कराई, अहिमूषक और समुद्र मंथन का शुभारंभ किया और उसमें हलाहल विष निकला, महादेव ने उसका पान किया संसार के हित के लिए, फिर उसमें रत्न निकले 14, उनका विभाजन आदि किया, उसी में भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोलिए मोहिनी भगवान की जय, धनवंतरी भगवान की जय। अमृत निकलते अहम पूर्वम छीना झपटी हो गई, मोहिनी भगवान ने उसका विभाजन किया, देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा। राहु जो है बड़ा होशियार था, उसने सोचा इस पंक्ति में बढ़िया बढ़िया है, छुप के बैठ गया, पर छुपा भी जहां दो सर्च लाइट लगी हुई थी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में छुपा, छुपता अंधेरे में तो बच जाता, दो दो लाइट के बीच में छुपा, पर भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, भगवान पिला तो गए परंतु जब उंगली उठाई गई कि ये दैत्य है, भगवान ने चक्र से गला काट दिया, उनको नवग्रह में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत और दैत्यों को मजरा पान कराया और उसी क्रम में भगवान ने कहा अब मारो इनको, दैत्यों को अब मारो, क्योंकि एक तो थके हुए हैं, दूसरा मजरा पान किए हुए हैं, और देवताओं ने मार मार के दैत्यों को पाट दिया पूरी पृथ्वी। तब शुक्राचार्य जी ने विचार किया जब चेला ही नहीं रहेगा तो गद्दी किस बात की, जब चेला ही नहीं होगा तो गुरु किस बात के, इसलिए शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करी और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, और उन्होंने राजा बलि को जीवित किया
और ठोक करके, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ठोक करके महाराज व्यवस्थित कर दिया और राजा बलि ने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया गुरु की कृपा से। देवराज इंद्र के पद पर बैठ गया, पर उस पद को कंफर्म करने के लिए अभी वेटिंग में था, कंफर्म करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, 99 पूरे हुए। इधर महाराज देवराज इंद्र की मां घबराई, कश्यप जी से कहा, नाथ आपको दया नहीं आती, मेरा बेटा दर दर भटक रहा है, आप कुछ उपाय तो करो, कृपा तो करो। तो कश्यप जी ने पयोव्रत बताया और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन पहुंचते हैं। इधर राजा बलि आज 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100 यज्ञ करने जा रहे थे, मुक्त हस्त से दान कर रहे थे, उसी क्रम में पहुंचे। शुक्राचार्य जी ने मना किया, राजा बलि नहीं माने। जैसे संकल्प किया महाराज, तो पानी टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान ने कहा, राजा बलि लगता है तुम्हारे लोटे में कोई कचड़ा फंस गया है। अपने आसन से एक सीख निकाली कुशा का और उसमें ऐसे दिया, शुक्राचार्य जी की एक दुकान बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए, जो सत्कार के लिए, पुण्य के लिए, दान के लिए किसी को मना करता है, उसकी यही गति होती है महाराज, जैसे शुक्राचार्य की हुई। इसलिए कभी भी किसी को सत्कर्म के लिए मना नहीं करना चाहिए। भगवान वामन से विराट हुए, एक पैर में नीचे के 7 लोग, दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोग, तीसरे पैर के लिए कहा, राजा बलि बता कहां रखूं, तूने 3 पैर का संकल्प किया था। राजा बलि ने कहा, नाथ 2 पैर से मेरी संपत्ति नाप ली, अब इस मालिक को भी तो नाप लो। तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के माथे पर पधरा दिया। क्यों? वस्तु समर्पण से। आपने कोई वस्तु आश्रम में दान की तो ममता तो चली गई, महाराज जी की हो गई, पर उसके प्रति अहमता जागृत होती, मैंने दिया, हमने दिया। बार बार कहते हैं, ये वाली एसी हमने दी, ये वाला गीजर हमने दिया, ये फ्रिज हमने दिया। ममता तो जाती है पर अहमता आ जाती है। पर राजा बलि ने ममता का भी परित्याग किया, वस्तु दान कर दी और अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए अहमता भी चली गई। और जीवन में जब तक अहमता और ममता दोनों का परित्याग नहीं होता, तब तक समता नहीं आती, और जब तक समता नहीं आती तब तक समदर्शी परमात्मा की कृपा नहीं होती। राजा बलि को भगवान ने गरुण जी के द्वारा बंधवा लिया। इधर महाराज सुतल लोक में वामन दरवाजे की हवेली का निर्माण करा दिया विश्वकर्मा जी के द्वारा। और अब नाथ मैंने तीनों लोगों की संपत्ति दान कर दी, और दान की वस्तु में कभी अधिकार नहीं होता, और आपको पाने के बाद अब क्या चाहिए नाथ? अब तो जी करता है कि मैं जब भी जिधर निकलूं उधर आपका दर्शन। वामन दरवाजे की हवेली में राजा बलि ने भगवान को द्वारपाल बना लिया। तब लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन गई, राजा बलि को राखी बांधी, तब से मंत्र प्रचलित हो गया, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माच। राजा बलि ने कहा, बहन बता क्या दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा, भाई वो दरवाजे का द्वारपाल दे दो। राजा बलि ने कहा, बहन क्या मांगती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, भाई वो जो है ना वो मेरे प्राणनाथ, राखी बंधन में दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी जी भगवान को वहां से मुक्त करके लेकर के चली। पर भगवान ने राजा बलि की ओर देखते हुए कहा, देख राजा बलि, मैं जा तो रहा हूं परंतु भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा।
इसलिए उस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी है और द्वादशी को भगवान का जल विहार होता है। जल विहार का भाव यह है, भगवान तो चले गए, अब वापस कैसे लाना है, तो वापस लाने के लिए जल विहार करते हैं। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, रास है। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं के कार्य को संपन्न किया, राजा बलि को नीचे भेजा। इसलिए तब से कहावत हो गई, आपन चेती ना चले हर चेती तत्काल। सुखदेव जी ने एक ही शब्द में पूरी राम कथा को गा दिया। गुरुवर थे ये जो शब्द है, पूरी रामायण इसमें समाहित है। राम जी का जन्म गुरुवर थे। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्री काम शुभ जग करावा, भगति सहित मुनिया आहुति दीने, भगति सहित मुनिया का विवाह भी गुरुवर थे। विश्वामित्र सबै शुभ जानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिता। रघुनाथ जी आए, वन में गए तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, वो भी गुरुवर थे, रास्ता भी गुरुवर थे, और रहने का स्थान वाल्मीकि जी से पूछा, क्योंकि जंगल का स्थान डाकू को या साधु को, दोनों दो को ही पता होता है, तीसरे को नहीं पता होता कहां पर जल मिलेगा, कहां गुफाएं हैं, कहां पर फल हैं। तो वाल्मीकि जी डाकू भी रहे जीवन के पूर्वार्ध में और जीवन के उत्तरार्ध में, साधु भी हैं, तो वाल्मीकि जी से ज्यादा जंगल के विषय में कौन जानता होगा। इसलिए रघुनाथ जी ने रहने का स्थान भी गुरुवर थे वाल्मीकि जी से पूछा। आगे बढ़े, रावण को मारने का मंत्र भी गुरुवर थे अगस्त जी से पूछा। अब मुनि मंत्र देवो प्रभु मोही, यही प्रकार मारूं मुनि द्रोही। रावण को मारने का मंत्र भी गुरुवर थे, और जब रावण को मार करके भगवान वापस आए तो राम जी का राज्याभिषेक भी गुरुवर थे। दशरथ जी ने नहीं राज्याभिषेक किया, प्रथम तिलक बसीत मुनि की नाम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। रघुनाथ जी के मंगलमय चरित्र को प्रणाम करते हुए और निमि वंश और चंद्र वंश आदि का वर्णन करते हुए, याति आदि के वंश का वर्णन करते हुए, नवम स्कंद को विश्राम देते हुए दसम स्कंद में प्रवेश करें। सिर्फ 5 मिनट में भगवान का अवतार होने वाला है, ये तो भागवत है महाराज। और भाव के साथ आरती का दर्शन करेंगे। 5 मिनट के लिए शांति पूर्वक बैठे रहें। जिस क्रम में सुखदेव जी ने अन्य अवतारों की कथा गाई, उसी क्रम में कृष्ण अवतार की भी कथा गा गए। परिचित जी गुरु जी की ओर देखने लगे, गुरु जी मैं तो आज पीले पीले कपड़े पहन करके बैठा हुआ था, जन्म होगा भगवान की लीला सुनूंगा, और आपने तो हनुमान चालीसा की तरह कह दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये कृष्ण चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है, बड़ा विस्तार है, एक काम कर ले तो जो है कुछ जलपान कर ले। जब ये बात कही तो परीक्षित जी ने कहा, नाथ पिबंतम त्वाम मुखाम भोजो, आपके मुखार बिंद से निकलता हुआ अमृत पान करने के बाद अब प्यास कहां है, अब तो वाणी बिरमानी तहां जीवन विराम। श्रवण भक्ति के आचार परीक्षित जी महाराज, प्रियादास जी भक्तमाला में कहते हैं,
श्रवण रसिक ना सुने वो परिचित सो। परिचित जैसा रसिक नहीं हुआ कानों का, इसलिए श्रवण भक्ति के आचार परिचित जी महाराज हैं। परिचित जी ने जब ऐसी बात कही महाराज, ओहो, अब अभी तक सूत जी को मौका नहीं मिला था कुछ बोलने का, कथा तो सुना रहे थे, पर सुखदेव जी के संवाद से, सुखदेव जी ने मैत्रेय विदुर संवाद से अब यहां पर मौका मिला। सूत जी कहते हैं, सोनक एवं निसम्म भृगुनंदन साधुवादम वैयासिका स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्चम कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहार तुम मां भरत भगवत प्रधान। बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए परीक्षित जी की सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र कहना प्रारंभ कर दिया। और जैसे आपको पता है, यदा गिदाघि धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थामाग धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। पृथ्वी देवताओं के पास जाकर के दुखड़ा सुनाती है, देवता पृथ्वी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा अनुमाना हमरो कछु न बसाई, मेरा इसमें क्या दोष है, चलो भगवान को पुकारते हैं। और भगवान को पुकारते हैं, भगवान ने आश्वासन दिया, सारा बायोडेटा बता दिया। बादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे जेल में आऊंगा, फिर उसके बाद मैं सब कुछ अपने आप समझ लूंगा, सारा वृत्तांत भगवान ने बता दिया। भगवान के अवतार का समय आया, मथुरा के नरेश है उग्रसेन, उनके भाई है देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी जो कंस की चचेरी बहन है, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, विवाह पूरा हुआ। कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था, उसने सोचा मैं अपनी बहन को स्वयं अपने हाथों से घोड़ों की बागडोर संभाल कर विदा देने के लिए जाऊंगा। चल पड़ा महाराज, सहनाइया बजने लगी, खुशी खुशी कर दो विदा दुलारी बहना राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा दुलारी बहना राज करे, साथ विदा देने के लिए जा रहा है। अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्ताया वहसे बुधा, इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्ट का प्रेम स्थिर नहीं होता, दुष्ट का प्रेम पत्थर पानी की लकीर है, जैसे पानी में लकीर खिंचाओ पीछे पीछे मिट दी जाती है। दामिन दमक रही घनमानी खल कर प्रीत जथा थिर नहीं, बागडोर घोड़ों की छोड़कर तलवार निकाल लिया, बहन की चोटी पकड़ ली, मारने के लिए उद्यत हुआ। संसार में भाई बदनाम ना हो जाएं, इसलिए वसुदेव जी सामने आए। आज का दूल्हा होता तो भाग लेता, गाड़ी में बैठ के जाता, तू जान तेरी बहन जाए मुझे क्या लेना देना, खत्म कर कहानी, दूसरा कर लूंगा। पर वसुदेव जी हैं, संसार में भाई बदनाम ना हो जाएं, इसलिए अपने आप को हथकड़ियों में बंद करा दिया, वादा किया जितने संतान होंगे मैं लाके दूंगा। उग्रसेन जी आए, वो भी मौका ताक रहा था कंस की, कब इसको अंदर करूं गद्दी में बैठूं, आज उनको भी अंदर कर दिया। पहला बेटा हुआ,
वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने कहा ले जाओ, मुझे इससे क्या लेना देना है। नारद जी पहुंच गए, नारद जी ने 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लिया और एक को छोड़ के एक एक गिनाने लगे, पहले को आठवीं, आठवीं को पहली गिना गए। बोले देवताओं की माया, तुम नहीं जानते हो, पहला का आठवां कर दें, आठवें को पहला कर दें। कंस ने एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, चार बेटा, पांच बेटा, छह बेटों को मार दिया। सातवें में स्वयं भगवान शेष आए। भगवान ने विचार किया कहीं कंस इनको हाथ लगा देगा तो कंस को तो यही मार देंगे, फिर मेरा अवतार रुक जाएगा। इसलिए योग माया से कहा जाओ इस गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। सोर हो गया, गर्भस्राव हो गया, गर्भस्राव हो गया। आठवें में जब भगवान के आने का समय हुआ तब भगवान श्री हरि ने योग माया से कहा, अरे योग माया तुम एक काम और कर दो। नंद गोप ग्रहे जाता, जाओ यशोदा के यहां कन्या के रूप में परिणित हो जाओ। अरे योग माया कलयुग में तेरी बड़ी पूजा कराऊंगा। और महाराज योग माया कन्या बन गई। इधर भगवान के आने का समय हुआ, भादों की तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष 12 बजे भगवान आने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की, सत्यम व्रतम सत्य परंतु सत्यम। देवता स्वार्थी हैं, आते समय याद कराया कि नाथ आपने जो आकाशवाणी में कहा था, आपकी वाणी सत्य है, आपके नेत्र सत्य हैं, आपके पैर सत्य हैं, आप तो सत्य नारायण हैं, इसलिए हमारी बात भूल मत जाना कि कहीं यशोदा के प्रेम में पड़ जाओ। अपनी बात स्मरण की, गर्भस्थी के माध्यम से स्मरण कराया। भगवान के आने का समय हुआ, भगवान जेल खाने में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। तमत भूतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। देव की आश्रय में पड़ गई। फिर भगवान ने माँ को सारा वृतांत सुनाया, पूर्वजन्म की कथा सुनाई। फिर वहां से भगवान जो है वसुदेव जी भगवान को लेकर के और मथुरा से चल करके भगवान जो है भगवान को गोकुल के लिए आते हैं। रास्ते में जमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक आ गई। भगवान ने कहा रे जमुने क्या कर रही है, बाबा को डुबो देगी, बाबा तो तेरा ससुर लगता है। बोले नाथ मैं आपके चरणों को चाहती हूँ, रामावतार से इंतजार कर रही थी। भगवान ने उन पर कृपा करी, रास्ते दिया। इधर महाराज जाके भगवान को सुलाया और जो है कन्या को लेकर के वापस आ गए। जेल के ताले बंद हो गए, पहरेदार जग गए और कन्या का रुदन सुन करके महाराज इधर कंस जो है आया। देखा तो कन्या, कंस ने विचार किया आकाशवाणी हुई थी कि बेटा होगा, ये बेटी कहां से आ गई, छोड़ूंगा नहीं, क्या पता बेटी से बेटा बन जाए। और जैसे योग माया को लेकर के पटकना चाहा, पर माया कभी किसी के हाथ में नहीं आती, हाथ से छूट करके आकाशवाणी करती हुई गई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। अब तो कंस ने आपत्कालीन मीटिंग बुलवाई। महाराज कंस की आपत्कालीन मीटिंग बैठी, हमें क्या लेना देना है, हम लोग चले गोकुल में जहां शाम के समय नंदा सुनंदा नाम की दो ननंद यशोदा की आई हुई थी, खूब मालिश कर रही थी, खूब सेवा कर रही थी। शाम का समय हुआ, नंद बाबा माला लेके बैठ गए। अभी तो भयो ना है, 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 माला जपने लगे। यशोदा ने नंदा सुनंदा से कहा कि जब मेरे लाला हुए ना मुंह को जगा दीजो। नंदा सुनंदा ने कहा पड़ोसी जग जाए, लाला जब होता है। और महाराज प्रातः काल की जब बेला होती है, वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, बाल कृष्णाल का दर्शन करके यशोदा धन्य होती है। नंदा सुनंदा आती हैं, जोर के साथ नंदा सुनंदा ने ताली बजाई। आप लोग ताली बजा दो, जोर के साथ थाली बजी, क्योंकि थाली और ताली का बड़ा महत्व है गृहस्थ जीवन में। तो गृहस्थ जीवन में आप सबके घर में थाली भी बजती रहे, ताली भी बजती रहे, जोर से ताली एक बार बजा दो। जैसे महाराज ताली बजी और बजते ही दौड़ने लगी ब्रज की गोपियां, दौड़ने लगी। महाराज यजमान परिवार आकर के पूजन करेगा, दौड़ने लगी गोपियां। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। क्या सुनाई, बोले मैं पनघट में सुनी आई,
अरे मैं बंसी बट पे सुनी आई यशोदा जायो